बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। ट्रिग्नोमेट्री साइंस की, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल से रिलेटेड तमाम पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब हो गया थ्री साइड मेजरमेंट या फिर थ्री एंगल मेजरमेंट। तो थ्री एंगल या थ्री साइड हमारे पास क्या होती है, ट्राइंगल की होती है। ट्राइंगल को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी तीन साइड और तीन एंगल बराबर हों, उसको हम लोग ट्राइंगल कहेंगे। तो ट्राइंगल के हमारे पास टाइप्स कितने होते हैं, ट्राइंगल के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑब्लिक्यू और एक होता है राइट एंगल। ऑब्लिक्यू ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर कोई भी थीटा हमारा 90 नहीं हो सकता, और राइट एंगल वो होता है जिसका एक थीटा लाजमी तौर पर क्या होगा, 90 के बराबर होगा। तो अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 है तो ऑब्लिक्यू है, थीटा 90 के बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब ट्राइंगल के कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। बेसिक एलिमेंट में हमारे पास होते हैं तीन साइड और तीन एंगल। ये खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, इसके अंदर आपको तीनों साइडें और तीनों एंगल नज़र आ रहे होंगे। तीनों साइड का मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तीनों एंगल का मतलब अल्फ़ा, बीटा और गामा। एक बात याद रखिएगा कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है, और साइड के मुताबिक याद रखिएगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक ऑफ द ट्राइंगल या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और पढ़ते हैं। जजाकल्ला, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ, ऐप डाउनलोड करो, जल्दी करो और छा जाओ।